दोस्तों पाइपिंग मैकेनिकल ज्ञान में आपका स्वागत है इस वीडियो में पाइप फिटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ पाइप फिटिंग क्या होता है पाइप फिटिंग कितने टाइप का होता है तो आइए जानते हैं पाइप फिटिंग क्या होता है पाइपिंग सिस्टम में पाइप के द्वारा फ्लूड मटेरियल एयर गैस एंड लिक्विड को एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में ले जाने के लिए पाइप का डायरेक्शन और साइज चेंज करना पड़ता है तो इसके लिए पाइप फिटिंग का यूज करते हैं जैसे एल्बो टी रेड्यूसर आदि एल्बो पाइपिंग इंडस्ट्री में मुख्यतः दो टाइप का एल्बो होता है 90 डिग्री एल्बो एंड 45 डिग्री एल्बो 90 डिग्री एल्बो मुख्यतः कॉमन फिटिंग होता है जो पाइपलाइन को ऊपर नीचे दाएं और बाएं दिशा में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है 90 डिग्री एल्बो जनरली दो टाइप का होता है लॉन्ग रेडियस एल्बो शार्ट रेडियस एल्बो लॉन्ग रेडियस एल्बो मोस्ट कॉमन यूज एल्बो होता है यह लो प्रेशर ग्रेविटी और अदर अप्लीकेशन के लिए यूज होता है लॉन्ग रेडियस एल्बो पाइप के साइज 1.5 डी के बराबर होता है जबकि शॉर्ट रेडियस एल्बो पाइपलाइन में कम दूरी पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है इसमें प्रेशर लॉस ज़्यादा होता है इसका रेडियस पाइप साइज के बराबर होता है और 45 डिग्री एल्बो पाइपिंग सिस्टम में इम्पोर्टेंट एल्बो होता है जो पाइप के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है यह 90 डिग्री एल्बो का आधा होता है और नेक्स्ट है रिटर्न या वेंड यह दो टाइप का होता है लॉन्ग रेडियस रिटर्न शॉर्ट रेडियस रिटर्न यह 180 डिग्री का एल्बो होता है जो हीट एक्सचेंजर में यूज होता है और हीटर पाइपलाइन को 180 डिग्री में चेंज कर देता है नेक्स्ट है टी यह दो टाइप का होता है इक्वल टी टी या रेड्यूसिंग टी टी में रन या हेडर का ओडी यानी आउटसाइड डायमीटर ब्रांच के ओडी के बराबर होता है और टी में ब्रांच का ओडी हेडर या रन के बराबर नहीं होता है अगला है रेड्यूसर रेड्यूसर का यूज पाइप के साइज को चेंज करने के लिए यूज करते हैं यह दो टाइप का होता है एक रेड्यूसर इसेंट्रिक रेड्यूसर को सेंट्रिक रेड्यूसर में दोनों साइड का ओडी का सेंटर लाइन एक ही होता है जबकि सेंट्रिक साइड का एंड है उसका सेंटर लाइन नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है क्रॉस यह दो टाइप का होता है इक्वल क्रॉस और रेड्यूसंग क्रॉस क्रॉस फोर वे फाइव फिटिंग होता है इसमें एक इनलेट और तीन आउटलेट हो सकता है और या एक आउटलेट और तीन इनलेट हो सकता है नॉर्मली प्रोसेस पाइपिंग में क्रॉस यूज नहीं होता है यह फायर वाटर स्प्रिंकुलर लाइन में देखने को मिलता है नेक्स्ट है कैप पाइप कैप पाइपिंग में जहाँ पर डेड एंड है वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर पाइपिंग सिस्टम में पाइप एंड होता है वहाँ पर कैप को पाइप के साथ वेल्ड कर सकते हैं यह जो एंड कनेक्शन है फ्लेंच कनेक्शन से सस्ता होता है लेकिन इसका ड्रा ऐसा होता है कि इसमें कोरोजन होने का चांस अधिक रहता है और इसको रेगुलरली चेक करना पड़ता है है, स्टाबेंड स्टाबेंड दो टाइप का होता है लॉन्ग स्टब बैंड और शार्ट स्टब बैंड स्टब बैंड एक फ्लेंच पार्ट है यह एक बी सिक्स पॉइंट नाइन में दिया गया है इसीलिए इसको पाइप फिटिंग में यूज करते हैं स्टब एंड को पाइप के साथ वट वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है और इसका जो फ्लेंज होता है फ्री मूव होता है नेक्स्ट है यूनियन यूनियन स्मॉल बोर के पाइप में यूज करते हैं यह हर डोमेस्टिक पाइप में यूज होता है जब दो पाइप को कनेक्ट करना होता है नेक्स्ट है कपलिंग कपलिंग प्रायः स्मॉल बोर पाइप में यूज किया जाता है यह तीन टाइप का होता है फुल कपलिंग हाफ कपलिंग रेड्यूसिंग कपलिंग फुल कपलिंग हम दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हाफ कपलिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमको इक्विपमेंट का टेपिंग लेना होता है और रेड्यूसिंग कपलिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर दोनों पाइप का एंड साइज अलग अलग होता है नेक्स्ट फिटिंग है स्वेज निप्पल यह दो टाइप का होता है कोसेंट्रिक स्वेज इसेंट्रिक स्वेज स्वेज रेड्यूसर के जैसा ही होता है लेकिन हम इसका यूज स्मॉल बोर के पाइप में करते हैं इसमें केवल एक अंतर होता है कि यह बट वेल्ड, सॉकेट वेल्ड और स्क्रू के द्वारा पाइप को कनेक्ट किया जाता है और इसका एंड डिफरेंट टाइप का होता है जैसे प्लेन एंड बेवल एंड थ्रेडेड एंड पोलेट यह एक स्पेशल टाइप का फिटिंग होता है स्टैंडर्ड पाइप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिटिंग करना सुटेबल नहीं होता है तो ओडलेट का यूज करते हैं कुछ समय इनलेट पाइप साइज आउटलेट पाइप साइज की तुलना में बड़ा होता है और टी सेक्शन में भी यूज करते हैं ओडलेट का यह अनेक प्रकार का होता है जैसे वेल्डोलेट थ्रेडोलेट सोकोलेट लेट्रोलेट एल्बोलेट स्वीपोलेट इंसर्ट वेल्डोलेट निपोलेट और आल फिटिंग का एक साथ चार्ट दिया हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा पाइपिंग के संबंधित किसी और चीज में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें बी केयरफुल एट वर्क प्लेस एंड टेक केयर